जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमंत और आप देख रहे हैं द टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल। अगर आपका फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप का आप ओनर हो, आप फेसबुक ग्रुप चलाते हो, तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए क्योंकि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने ऐसा काफी सारे ग्रुप देखा है जिनका ग्रुप पर 40K 30K ऐसा मेंबर्स हो गया है, लेकिन फेसबुक ग्रुप का कुछ रूल्स नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल आप मत कीजिए। मेरा जो कहने का मतलब मैं पूरा वीडियो में बताऊंगा, एक्चुअल रीजन क्या है, आपको रूल्स देना ही होगा। ठीक है, क्यों मैं आपको बताऊंगा, जस्ट वीडियो पर आप बने रहे। अगर आपको रूल्स बनाने का नहीं आता, कि आप समझ नहीं पाते कि रूल्स कहाँ ऑप्शन मिलता है और कैसे बनाया, क्या क्या रूल्स में लिखना है नहीं लिखना, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा और क्या क्या लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। वीडियो पे बने रहे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक्चुअल मैं आपको बता देता हूँ कि ये रूल्स क्यों बनाना चाहिए आपका फेसबुक ग्रुप के लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आप जिस कंट्री में अभी बिलोंग करते हैं उसी कंट्री का कोई रूल्स जरूर है, उसी रूल्स आपको मान के चलना पड़ता है। तो ऐसे ही मान लीजिए कि आपका फेसबुक ग्रुप जो चलाते हो, यूज करते हो, फेसबुक ग्रुप चलाने के लिए भी एक रूल्स होता है और उसी रूल्स को फॉलो करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपका ग्रुप का रूल्स बनाना चाहिए। तो फेसबुक ग्रुप चलाने के लिए जो रूल्स होते हैं उसके साथ आपका ग्रुप बनाने का इसमें क्या संपर्क है? आपका ग्रुप जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी का ऐसा कोई भी कंटेंट जो कॉपीराइट होते हैं, उसी कॉपीराइट कंटेंट कोई मेंबर्स आपके ग्रुप में पोस्ट कर दिया, तो ऐसा ही हो सकता है आपका ग्रुप पर जो क्वालिटी है वो ग्रीन सिग्नल नहीं रहेगा। ठीक है, आपका कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। या तो मान लीजिए कि जिस कैटेगरी का ग्रुप है उसी कैटेगरी के छोड़ के, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एजुकेशन पर्पज आपने ग्रुप बनाई और एजुकेशन के छोड़ के कोई ऐसा आपका मेंबर्स है जिन्होंने ऐसा पॉलिटिकल रिलेटेड कोई पोस्ट कर दिया, तो इसमें आपका ग्रुप का जो रूल्स है उसी वायलेट कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप चलाने के लिए जो रूल्स होते हैं वो वायलेट कर सकते हैं। या तो मान लीजिए कि आपका ऐसा कोई सॉन्ग्स डाल दिया जो कॉपीराइट है और उन्होंने ऐसा डाल दिया, तो ऐसा हो सकता है आपका ग्रुप का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक है, क्वालिटी हर टाइम आपको ग्रीन सिग्नल की तरह रखना है। तो आपको क्या करना, रूल्स बनाना है। आप रूल्स में बता दीजिए कि आपका ग्रुप जिस कैटेगरी का है, जैसे एजुकेशन पर्पस अगर है तो आप मान लीजिए आपका ग्रुप पर पहला जो रूल्स होगा आपको लिखना होगा कि ये ग्रुप एजुकेशन पर्पस है। अब इसके बिना ऐसा कुछ अदर्स कैटेगरी का जो होता है उसी पोस्ट मत कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपको लिखना क्या नहीं लिखना, रूल्स कैसे बनाना है, पूरा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, जस्ट वीडियो पे आप बने रहे। तो और एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आपका फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप आप चलाते हो और फेसबुक ग्रुप के रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना है, कुछ भी आपको जानकारी लेना है, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी फेसबुक ग्रुप के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैंने बना के रखा है, आप जाके देख सकते हैं। फेसबुक हेल्प वीडियोस प्लेलिस्ट ओपन कीजिए मेरा चैनल पर जाके, और उसी पर जाके आप देख सकते हैं कि फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा, जस्ट आप देख लीजिएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो बनाने का जो रीज़न है मैं आपको बता देता हूँ, मेरा एक व्यूअर्स मुझे कमेंट किया था कि फेसबुक ग्रुप रूल्स कैसे एडिट कर सकता हूँ, कैसे फेसबुक ग्रुप रूल्स एडिट कर सके, और भी बहुत सारे से कमेंट आया था फेसबुक रूल्स के रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो अलग से बना दूं और आपको समझा दूं कि फेसबुक ग्रुप रूल्स का इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। फेसबुक ग्रुप रूल्स आप जरूर बना के रखिए। तो रूल्स कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूं। इस साइड में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाएगा, आप देख लीजिए, जस्ट फेसबुक ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप ट्रिपल लाइन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जो ग्रुप है, ग्रुप पर क्लिक करके योर ग्रुप पर जाके आपका ग्रुप पर आप आ जाइए। ठीक है, आने के बाद आप एडमिन हो या फिर मॉडरेटर हो या फिर आप ग्रुप ओनर हो, ग्रुप क्रिएट की हो आपने, तो आपको ये स्टार ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आप क्लिक कीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखिए अलग से एक रूल्स का एक ऑप्शन दिया गया है फेसबुक की तरफ से। ठीक है, जस्ट रूल्स ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एक एक रूल आपको लिखना है। ठीक है, मेरा ग्रुप में आप देख सकते हैं कि 10 रूल्स है, या 10 रूल्स आपको मानना पड़ेगा। अगर ग्रुप में आप ज्वाइन हुए नहीं हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चीज का, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक ग्रुप का भी इस लिंक दिया हुआ है, आप जाके क्लिक करके फेसबुक ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल जो बात आते हैं कि फेसबुक ग्रुप बनाने के लिए जो रूल्स का जो सिस्टम है, इसमें आप देख सकते हैं कि दो कैटेगरी आपको लिखना है। जैसे कि मेन टाइटल के रूप में आपको लिखना पड़ेगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन आपको एक लिखना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका ग्रुप एजुकेशन का पर्पस है तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि नो पॉलिटिकल पोस्ट, तो इसमें एक हेडलाइन ये हो गया है, और उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होगा कि इस ग्रुप में ऐसा पॉलिटिकल पोस्ट अप्रूव नहीं होता, तो इस तरह आपको लिखना है। ठीक है, तो एक एक करके रूल्स का हेडलाइन आप लिखिए और हेडलाइन के साथ आपको उसी हेडलाइन को डिस्क्राइब करके आप
लिख सकते हैं ताकि आपके जो फॉलोअर्स होते हैं उनको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए मैं ऐसा ही कुछ नॉर्मल रूल्स मैं आपको बता देता हूं जो मैंने लिखे रखे हैं, और एक एक करके मैं आपको बता देता हूं जो हर कैटेगरी का ग्रुप के लिए आप चाहे तो ये ऐड कर सकते हैं। ये नॉर्मल रूल्स है और मैं हेडलाइन के रूप में मैं आपको बता देता हूं, आप चाहे तो उसी को डिस्क्रिप्शन करके और भी लिख सकते हैं नीचे ताकि आपका जो फॉलोअर्स होते हैं उनको समझ में आए। ठीक है, तो मैंने जो लिखे रखे हैं मैं एक एक करके आपको बताता हूं। जस्ट आप देखिए, ये नॉर्मल रूल्स है, आप चाहे तो ये ऐड कर सकते हैं। जो पहले रूल्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने लिखे रखे हैं, जो पहले रूल्स है कि नो हेट स्पीच कैन बी मेड, यानी आप ऐसा कुछ हेट स्पीच मत कीजिए जो किसी को बुरा लगे, या चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहला वाला। जो दूसरा है, नेक्स्ट जो रूल्स है, आप चाहे तो ये लिख सकते हैं कि नो वन कैन बी थ्रेटेड, यानी आप किसी को थ्रेट नहीं कर सकता। ठीक है, ये आप चाहे तो लिख सकते हैं, दूसरा का रूल्स हो गया। जो नेक्स्ट है वो है कि आप ऐसा लिख सकते हैं कि नॉट अपलोड्स एनी इलिसिट कंटेंट, यानी आप ऐसा कोई इलिसिट कंटेंट अपलोड नहीं कर सकता, ये आप लिख सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है कि नो बाय एंड सेल्स बाय दिस ग्रुप, यानी आप इस ग्रुप में कोई भी चीज सेल्स या बाय नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। और जो नेक्स्ट रूल्स है वो है कि रेस्पेक्ट एवरीवन्स, यानी हर बंदा को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, रेस्पेक्ट देने से ही रेस्पेक्ट मिलता है, ये आपको समझ में जरूर आना चाहिए। ठीक है, आपको फॉलोअर्स को ये भी बताना है कि रेस्पेक्ट हर बंदा को देना चाहिए जो ग्रुप मेंबर्स है। ठीक है, ये चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन करके लिख सकते हैं। और जो नेक्स्ट रूल्स है वो है कि नो रिलीजियन एंड पॉलिटिकल पोस्ट, अगर इस रिलेटेड आपका ग्रुप नहीं है तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसा इस ग्रुप में कोई रिलीजियन और पॉलिटिकल पोस्ट आप नहीं कर सकता। और जो नेक्स्ट रूल्स है वो है कि नो प्रमोशन थ्रू दिस ग्रुप, यानी इस ग्रुप के माध्यम से आप किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। तो मैंने जो ये रूल्स आपको बताया ये नॉर्मल रूल्स है। ठीक है, आप चाहे तो इसको और भी थोड़ा बढ़ा के और भी आप चाहे तो रूल्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मन में ऐसा आए कि कुछ भी मिसिंग हो गया है रूल्स में, तो और भी थोड़ा ऐसा रूल्स लिखना था, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि दूसरों को हेल्प हो जाए। ठीक है, ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और इस तरह लेटेस्ट वीडियो भी आगे तक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल बटन पर प्रेस करके रखिए ताकि इस तरह लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको हमेशा के लिए मिलते रहेगा। तो फिर मिलता हूँ ऐसे ही एक टेक रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक आपका ख्याल रखें, धन्यवाद।